देसी गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने दमदार अभिनय के दम पर आज न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी हैं। आज ये इतनी सफल अभिनेत्री हो गई हैं कि अपने सारे सपनों को साकार कर चुकी हैं। फिर चाहे वो एक्सपेंसिव कार का कलेक्शन हो या फिर अपने प्यार से शादी करना हो, इन्होंने सभी सपनों को साकार किया है। लेकिन इन सभी से हटकर इनका एक ऐसा सपना है जो आज भी अधूरा है। उस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने काफी कड़ी मेहनत की, बहुत कोशिश की, पर इनकी वे कोशिश और मेहनत इनके उस सपने को पूरा ना कर सकी। लगता है किस्मत चाहती ही नहीं थी कि प्रियंका का वह सपना पूरा हो, इसीलिए तो इनका वो सपना आज भी अधूरा है। तो आखिर कौन सा है वो इनका अधूरा सपना जिसे ये कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाई? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके उसी अधूरे सपने से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी इनके उस अधूरे सपने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही प्रियंका चोपड़ा के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने अपनी सफलता से अपने सभी सपनों को साकार किया है। पर आज भी इनका एक सपना है जो कि अधूरा है, और इनका वह अधूरा सपना है आईपीएस ऑफिसर बनने का। जी हाँ दोस्तों, आपकी देसी गर्ल आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये अपने इस सपने को पूरा करने के लिए इतनी बेचैन थी कि दिन रात पढ़ाई करने में इतनी बिजी हो जाती थी कि खाना भी नहीं खा पाती। फिजिकली फिट रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर रनिंग पर जाती थी, और इस तरह इन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। पर जब समय आया एग्जाम का तो इनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई थी, क्योंकि ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी, जिसके साथ ही इनके सारे सपने भी चूर चूर हो गए थे। ये अंदर से काफ़ी टूट गई थी कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई और अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। ये अंदर से इतना टूट गई थी कि इन्होंने कभी आईपीएस ऑफिसर ना बनने का फैसला किया। इस तरह इनका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया, जिसे अब ये कभी पूरा नहीं करना चाहती। पर दोस्तों, आपको बताते चले कि कभी आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्म जय गंगा जल में आईपीएस आभा माथुर का किरदार निभाया था। बेशक ये अपने रियल लाइफ में आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाई थी, पर रियल लाइफ में एक बार ही सही आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभाकर इन्हें काफ़ी खुशी हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रियंका अगर एक्ट्रेस ना बनती तो आईपीएस बनकर इतनी सफलता हासिल कर पाती जितने कि आज एक एक्ट्रेस बनकर कर पाई हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।